ग्रहण से पहले काशी में शिव साधना, प्रचंड जीत के बाद फिर आया बनारसिया। काशी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है? ये तस्वीरें उस महाविजय के बाद की हैं, जब हिंदुस्तान का प्रधान सेवक अपनी कर्म भूमि काशी पहुंचा और चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। 125 करोड़ देशवासियों ने जिसे सिर आंखों पर बिठाया, ये उसी मोदी का बनारसिया अंदाज है। मस्तक पर चंदन, हाथों में शिव आराधना के लिए प्रचंड ज्योति, राज्याभिषेक से पहले शिव भक्ति में रमे बसे मोदी का यह अंदाज वाकई शानदार है। काशी की जनता ने अपने प्रिय नेता पर जो प्यार और भरोसा जताया, ये दिन उस जनता को धन्यवाद कहने का है। कैसे एक बेटा माँ गंगा से एक बार फिर आशीर्वाद लेने पहुँचा, वो देखिए। शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले पीएम मोदी बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर पहुँचे, भगवान भोलेनाथ का मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक किया और 501 कमल के फूलों से पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद लिया। हम लोगों ने पुरुषोक्त और अन्य मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया, पुष्पार्चन किया, माल्यार्पण किया। मोदी जी लगभग 35 से 40 मिनट मंदिर में गर्भगृह में रहे, जिसमें 16 उपचार उन्होंने पूजन किया, अभिषेक किया, 501 कमल के फूलों से उन्होंने बाबा को अर्पण किया और विश्व कल्याण और राष्ट्रवाद की कामना से अपने देश की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसका उन्होंने संकल्प लिया। पीएम मोदी शिव के कितने बड़े भक्त हैं, ये बनारस ही नहीं बल्कि पूरा देश देख चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते वक्त समर्थकों ने पीएम मोदी पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर दी। पुष्प वर्षा के लिए 7 क्विंटल फूलों का इंतजाम किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई, जहां से पीएम मोदी के भगवान शिव की आराधना की तस्वीरें लोग लाइव देख सकें। पूरे काशी में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। वाराणसी पहुंचने से पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मोदी के वेलकम के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, जिन्होंने गुलदस्ता देकर मोदी का स्वागत किया। मोदी के काशी आगमन से पहले पूरा शहर गुलजार हो गया। कहीं गीत गाए जा रहे थे तो कहीं लोग नाच गाकर झूमते हुए अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। मोदी जब जब काशी पहुंचे, ऐसा कम ही देखने को मिला, जैसा कि इस नए दौर की तस्वीर काशी की धरती पर साफ साफ नजर आई। 4,79,000 से ज्यादा वोटों से वाराणसी में चुनाव जीतने वाले पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तो लोग जात पात और धर्म की हर दीवार तोड़कर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। बनारस के लोगों पर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। एक तरफ मुस्लिम लोगों के हाथों में मोदी के लिए सेवैयां थी, तो वहीं मुस्लिम महिलाएं उनके लिए राखी लेकर पहुंची थी। आपके भाई हमारे लिए अच्छा तोहफा देंगे, जैसे अभी तक दिया है 5 सालों में, और आगे भी देते रहेंगे। मोदी और मुसलमानों के बीच की ये खाई यूं ही नहीं पटी। मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए पीएम मोदी ने जो कदम उठाए, ये उसका नतीजा है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। जब मोदी का काफिला वाराणसी की सड़कों से गुजरा, तो उनके आने से पहले न सड़कें खाली कराई गईं, न फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। काशी में पहले जैसा ही सब कुछ सामान्य था। पूरी वाराणसी मोदी के रंग में रंगी थी, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वीवीआईपी आया है। मोदी के वाराणसी दौरे में अगर वीवीआईपी कल्चर नहीं दिखा, तो इसकी वजह खुद मोदी ही हैं, जो वीवीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ हैं। 25 मई को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में मोदी ने सांसदों को वीवीआईपी कल्चर से बचने की नसीहत दी थी। नसीहत सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं थी, उन्होंने खुद भी इसे अपनी जीवन शैली में उतारा है। एक बात
वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूँ और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए चेकिंग जी। लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। सामान्य मानवी के मन में इन चीज़ों का असर है जी। हम जितना सामान्य मानव, आप हमारे मनोहर परिकर जी की जो पहचान यही थी। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने जहां अपनी सरकार के खिलाफ लामबंदी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं इस चुनाव परिणाम को लेकर सियासी पंडितों के गुणागणित का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के नतीजों ने इन्हें झुठला दिया है। चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है। भगवान भोलेनाथ में मोदी की अटूट आस्था है। काशी सोमनाथ से लेकर केदारनाथ और पशुपतिनाथ तक मोदी की शिव भक्ति पूरा देश देख चुका है। काशी मोदी के दिल के बेहद करीब है, इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को जब भी मौका मिला वो काशी आए और अपने हर दौरे में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बीती 26 अप्रैल को नामांकन से पहले भी वो काल भैरव मंदिर गए थे और भगवान का आशीर्वाद लिया था। 26 अप्रैल के बाद पीएम मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा है। 2019 में मोदी का ये बनारसिया अंदाज कोई नया नहीं है। 2014 में मोदी को जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था तो मोदी ने शिव की नगरी काशी को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। मोदी जब वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं आज भी जब माँ गंगा के चरणों में आया हूँ, उसको और अधिक गहराई से अनुभव कर रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के बाद न सिर्फ मोदी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की बल्कि केंद्र से कांग्रेस को बाहर कर बीजेपी का परचम भी लहरा दिया। सांसद चुने जाने के बाद अब तक मोदी 21 बार वाराणसी जा चुके हैं। देश का सबसे प्राचीन और धार्मिक केंद्र, जो कल तक बनारस और आज वाराणसी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो मोदी की न सिर्फ कर्म भूमि के नाम से जाना जा रहा है बल्कि काशी मोदी के दिल में रच बस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।